आम जनता के सिर पर महंगाई का एक और बम फूटने वाला है। दरअसल 1 अप्रैल से देश में दवाइयां महंगी होनी जा रही हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये घोषणा की है कि 1 अप्रैल से 800 दवाइयों की कीमत में 10.7% की बढ़ोतरी हो जाएगी। थोक मूल्य सूचकांक में तेज बढ़ोतरी की वजह से ऐसा होने जा रहा है। अब बुखार, संक्रमण, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, त्वचा रोग और एनीमिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसमें पैरासिटामोल, फेनोबार्बिटन, फिनाइटोइन और कई ऐसी दवाइयां हैं जो शामिल हैं, जो महंगाई की मार जिस पर पड़ सकती है। भारत की आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में आने वाली दवाइयों की सालाना बढ़ोतरी थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। इन आवश्यक दवाइयों को खुदरा बिक्री के अलावा सरकार के कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इस्तेमाल किया जाता है। 1 अप्रैल 2020 से दवाओं की कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा। इससे पहले 7 मार्च को सरकार ने बताया कि पिछले महीने यानी फरवरी में थोक महंगाई दर 13.11% पर रही है। इसी तरह फरवरी 2022 में लगातार 11वें महीने थोक महंगाई दर दोहरे आंकड़े को पार कर रही है और साथ ही जनवरी में थोक महंगाई दर 12.96% और दिसंबर 2021 में 13.56% रही थी। तो फिलहाल महंगाई